लॉकडाउन काफी प्रभावी है। सड़कों पर भी लोग नहीं निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं, लेकिन मोहल्लों में गलियों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। घर से निकलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने गली के नुक्कड़ पर बैठे हैं तब भी थोड़ा स्पेस से बैठें, सोशल स्पेस बना करके रखें, भीड़ के रूप में ना बैठें। ये भी एक सफलता है कि लोग अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जा रहे हैं। तभी अगर कहीं संक्रमण है और संक्रमण फैलता है तो कम से कम एक सीमित स्थान तक फैलेगा। वैसे कुल मिलाकर के मेरा सजेशन यही है कि लोग घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टर साहब, जो गरीब लोग हैं उनकी आगे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, इनकम वगैरह की उनके स्रोत नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए आपकी मेडिकल एसोसिएशन या व्यक्तिगत तौर पर आप कोई मदद करने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने तय किया है, हमारी मेडिकल एसोसिएशन, नवाबगंज मेडिकल एसोसिएशन ने यह तय किया है कि अगर कुछ लोग ऐसे चिन्हित किए जाते हैं जिनको इस लॉकडाउन की वजह से काम से वंचित हो गए हैं, उनको भोजन पानी की समस्या आ गई है, खाना नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी एसोसिएशन ऐसे लोगों की मदद करेगी। एसोसिएशन के अलावा भी अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों की मदद करनी पड़े मैं वो भी करूंगा। अपने मित्रों से सहयोग लेकर के सहयोग करना पड़ेगा निश्चित रूप से करूंगा, लेकिन सही लोग चिन्हित होकर के मेरे पास तक पता लग जाए, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता हूँ वो लोग लॉकडाउन तोड़ें। केवल मेरे पास तक सूचना आ जाए, समाचार आ जाए, उनके नाम आ जाए, मैं मतलब सहायता उनके घर तक पहुंचवा दूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, ये मास्क लगाए हुए हैं, ये इसका समय सीमा क्या है, क्या रोज चेंज होना चाहिए या आप लगाता रहे, बताएं? निश्चित रूप से एक बार लगाया हुआ मास्क केवल एक बार यूज होना चाहिए, और जब उसको हटाया जाए तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट करने के लिए कम से कम उसे एक क्लोज डस्टबिन में ही डालना चाहिए, लगातार मास्क नहीं लगाना चाहिए, दूसरा मास्क जो है दूसरी बार दोबारा उसे यूज नहीं करना चाहिए। नौ दुर्गों के त्यौहार में मेरा लोगों से निवेदन है कि अब तक वैसे मंदिरों में जाकर के पूजा की जाती है, लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन इस समस्या के कारण से मंदिरों में ना जाएं, भीड़ के रूप में इकट्ठे ना हों, अपने घरों पर ही पूजा पाठ करें, वहीं पर सारे अनुष्ठान करें। भगवान तो कण कण में मतलब विद्यमान है, उसकी जहां भी पूजा करेंगे ईश्वर स्वीकार करेगा, ये मान करके घरों में ही रहें। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ये नवाबगंज में काफ़ी हद तक सफल है, लेकिन ये जो सफलता है केवल मेन रोडों पे ही है। अंदर जो गली में मोहल्ले में लोग रह रहे हैं वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। मैं आप लोगों से एक नम्र निवेदन करता हूँ, आप अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करें। हाँ, हम लोगों ने ये कल ये प्लान करा था कि जो भी जहाँ भी किसी भी आदमी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, अगर खाने पीने की जरूरत हो रही है तो हम उनको खाने के पैकेट अवेलेबल कराएंगे, अगर सैनिटाइजर की जरूरत होती है तो सैनिटाइजर देंगे, अगर मास्क की जरूरत होती है तो वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत है तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, उसको वो चीज तुरंत अवेलेबल कराई जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9759588728। संपर्क कर सकते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, किसी भी समय आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जैसी जैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा होगी मैं अवेलेबल कराऊंगा, प्रशासन के थ्रू भी अवेलेबल कराऊंगा। पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि लॉकडाउन में किसी को कोई परेशानी ना हो। तो लॉकडाउन का असर जो मेन रोड है वहाँ तो अच्छा खासा है, काफी लोग उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी पीछे की पॉपुलेशन मुस्लिम बस्ती है उसमें उन लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल चल रहा है। कल हम लोग गए थे, सारे मेडिकल एसोसिएशन के कई डॉक्टर्स वहाँ मेरे साथ थे, उन लोगों ने कहा कि यहाँ तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि देश में कोई लॉकडाउन चल रहा है, और उन लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि वो लोग इसको सख्ती से लागू कर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी वायरस अगर आता है तो वो सारे लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी जैसे बन जाएगी, और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसका कड़ाई से पालन करें।
अच्छा, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भुखमरी की कगार पे आने वाले हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो आपकी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोई उनके लिए सहयोग के लिए सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोगों ने बात की है आपस में, हम लोगों का कम्युनिकेशन रहा है, और हमारे एसोसिएशन नवाबगंज मेडिकल एसोसिएशन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे सचिव जी हैं, उन लोगों ने बात रखी है और हम लोग हर समय इसके लिए तैयार हैं। जितने भी गरीब लोग हैं हम लोगों ने उनकी लिस्ट बना रहे हैं और जहां पर वो उनके बिल्कुल ऑन स्पॉट वहां पर उनको सहायता पहुंचाएंगे और हर समय हम उसके लिए तैयार हैं। किस तरह की सहायता पहुंचाने की सोच रहे हैं? अगर उन लोगों को खाने की परेशानी है या मेडिकल एड की जरूरत है या कोई और इकोनॉमिकल कोई पोजिशन उनकी खराब है, पैसा नहीं है उनके पास, तो वो भी हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, असर तो पूरे विश्व पर है और भारत पर भी है और नवाबगंज में भी है, बरेली में भी है, और हर व्यक्ति पर असर है इसका। सभी व्यक्ति, सब लोग, हम सब परेशान हैं कि आगे क्या होगा। अब देखना है अगले 10 दिन 15 दिन डिसाइड करेंगे कि हमारा देश और हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए मदद पहुंचाने के लिए आपकी जो मेडिकल एसोसिएशन है उसमें क्या सोचा है? देखिए, कल रात से हम सभी डॉक्टर्स मिलके आपस में चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से हमें अपनी इमरजेंसी सेवाएं और पेशेंट्स को जो भी सुविधाएं हैं देनी है वो देनी है। साथ ही साथ हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इस समय हम समाज के लिए कर सकते हैं सारे डॉक्टर्स मिलकर, तो उस पर विचार विमर्श चल रहा है और जहां तक है आज शाम तक हम लोग किसी निर्णय पर पहुँच जाएंगे कि सारे डॉक्टर्स कुछ कलेक्शन करके जो जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को फूड पैकेट्स या रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराने का।